नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। सभी अपने अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी पहली बार क्लास में आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी। और भी दोस्तों को अपने जोड़ लो। जितने लोग भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो और जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जुड़ते जाइए स्वागत है आप सभी का। विक्रम जय महाकाल जी, जय महाकाल। पूजा दुबे, कविता मीना, शिवम, ग्रीन फोर्स, सालू शुक्ला, बिहार सोनू, जुड़ते जाओ सभी। स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वीडियो ओके? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ कठिनाई चिंता दुख कुछ तो नहीं है ना? शुरू करें क्लास, रेडी है सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जी हाँ, क्लास रोज़ शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, प्लस अपनी क्लास रात में 9 से 10:30 बजे तक छोटे चैनल पर भी होगी। सुजीत सर जिस पे पढ़ाते थे ना, उस वाले चैनल पे, ठीक है? तो आप सभी रात में उस पे भी आ जाना। रात में हम अपने छोटे चैनल पर भी पढ़ाएंगे, पता तो है ही आप लोगों को, है ना? सुजीत सर जिस पे पढ़ाते थे, ठीक। चलो शुरू करें, रेडी है सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी हुई है? कौन सी नदी जो है धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी हुई है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। कौन सी नदी धुबरी फुलवारी ब्रिज से जुड़ी हुई है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कौन सी नदी से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है। हाँ हाँ, ये वही ब्रिज है जिसका हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ था। हाँ, ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। धुबरी फुलवारी ब्रिज किन दो राज्यों को जोड़ेगा? राइट आंसर क्या है बतलाइए? धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है कौन से दो राज्यों को जोड़ेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए। धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है कौन से दो राज्यों को जोड़ेगा? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है ये जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धुबरी फुलवारी ब्रिज जो है ये जुड़ेगा ऑप्शन नंबर असम और मेघालय को। क्या हो जाएगा? असम और मेघालय प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी की परिचालन का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का रिकॉर्ड किस रेलवे जोन के पास है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। सबसे लंबी मालगाड़ी चलाने का परिचालन का रिकॉर्ड कौन से रेलवे जोन के पास है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वासुकी क्या है? राइट आंसर क्या है? वासुकी क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। वासुकी क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो वासुकी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर वासुकी है मालगाड़ी, सबसे लंबी मालगाड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वासुकी क्या है? सबसे लंबी मालगाड़ी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? राइट आंसर क्या है बताइए? चमोली जिले में गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। जी
यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चमोली जिले में कौन सी सहायक नदी बहती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बहती है धौली गंगा। क्या हो जाएगा? धौली गंगा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत परियोजना चमोली फ्लैश बाढ़ से प्रभावित हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, चमोली फ्लैश बाढ़ से कौन सी विद्युत परियोजना प्रभावित हुई थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रश्न के लिए, चमोली फ्लैश बाढ़ से इनमें से कौन सी परियोजना प्रभावित हुई थी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है तपोवन हाइड्रल प्रोजेक्ट, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है कौन सा, तपोवन हाइड्रल प्रोजेक्ट, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसका भी गलत हो रहा है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्लेशियर के प्रकोप का कारण नहीं है? आपको बताना है ग्लेशियर के पिघलने का कौन सा इनमें से कारण नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए जी, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है, ग्लेशियर के पिघलने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है, ग्लेशियर के प्रकोप का कारण इनमें से कोई भी नहीं, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट क्षरण ये सब ग्लेशियर के प्रकोप का कारण है, इसी से ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर खसक कर नीचे गिरते हैं, तो इनमें से कोई नहीं प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आर्थिक सर्वेक्षण को पहली बार कब पेश किया गया था, राइट आंसर क्या है बतलाइए जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आर्थिक सर्वेक्षण को कब, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चलिए बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रश्न के लिए कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए अपना, आर्थिक सर्वेक्षण कब, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था कब, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 1950-51 में, राइट आंसर है 1950-51 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिनके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रश्न के लिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, सही उत्तर क्या हो जाएगा 4 फरवरी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है चलिए देखते हैं, इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, राइट आंसर क्या है बताइए, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, विश्व कैंसर दिवस की थीम है आई एम एंड आई विल, 2020 में भी यही थीम थी, 2021 में भी यही थीम है, राइट आंसर हो जाएगा आई एम एंड आई विल, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं प्रश्न के लिए, अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है बताइए, इनमें से कौन सा वाणिज्यिक प्रक्षेपण है, मतलब रॉकेट है, जो बायोडीजल से प्रक्षेपित किया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैव ईंधन से प्रक्षेपित किया गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, तो ये है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है स्टार डस्ट 1.0, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, स्टार डस्ट 1.0 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रश्न है
चलिए देखते हैं। पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पिनाका MK1 किसके द्वारा विकसित किया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पिनाका MK1 जो है ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, DRDO प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राज्य के किस वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है? जल पक्षियों की गणना कौन से राज्य के वन विभाग ने की है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है, कौन से जल विभाग के पक्षी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थरिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गणना की है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत कब हुई, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना की शताब्दी शुरुआत जो है ये हुई है ऑप्शन नंबर 4 फरवरी 2021, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 4 फरवरी 2021 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए। लाइट कॉम्बैक्ट तेजस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तेजस का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा तेजस का निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तेजस का निर्माण किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आने वाले वर्षों में कौन सा राज्य बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा, राइट आंसर क्या है बतलाइए, बहुउद्देश्य समुद्री शैवाल पार्क स्थापित इनमें से कौन सा राज्य करेगा, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है, समुद्री शैवाल पार्क इनमें से कौन सा राज्य स्थापित करेगा, राइट आंसर क्या है चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो ये शैवाल पार्क कौन कर रहा है, तो शैवाल पार्क जो है ऑप्शन नंबर तमिलनाडु राज्य बना रहा है, कौन बना रहा है, तमिलनाडु राज्य प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए है, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, जो भी पहली बार क्लास में आया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हो। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वित्तीय राजधानी क्या है, तो वित्तीय राजधानी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मुंबई। सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर क्या, वित्तीय राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन, स्मेलीकॉप्टर क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। स्मेलीकॉप्टर क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए जी। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्मेलीकॉप्टर क्या है, तो स्मेलीकॉप्टर ऑप्शन नंबर राइट आंसर है एक ड्रोन है, मतलब छोटा सा हेलीकॉप्टर ड्रोन, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, भारत और चीन की किस काल्पनिक रेखा में विभाजित है? भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कौन सी है इनमें से? राइट आंसर क्या है बताइए, भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है इनमें से, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैकमोहन रेखा, भारत और चीन की रेखा कौन सी है, मैकमोहन रेखा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी मिसाइल है? राइट आंसर क्या है बताइए, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी मिसाइल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी मिसाइल है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है ऑप्शन नंबर ब्रह्मोस मिसाइल, राइट आंसर क्या है ब्रह्मोस मिसाइल प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन टैक्स से किस वाहनों को छूट मिलेगी? राइट आंसर क्या है बताइए, ग्रीन टैक्स से किस वाहनों को छूट मिलेगी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रीन टैक्स से किस वाहनों को छूट मिलेगी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ग्रीन टैक्स से, जो है ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके लिए छूट मिलेगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक कार्स प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है प्रश्न के लिए, ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति, कौन है भारत के राष्ट्रपति प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, LASI का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए, LASI का फुल फॉर्म क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जी, सोचिए समझिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए सभी बताएंगे। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉन्गिट्यूशनल एंजिंग स्टडी ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक को, जो भी पहली बार क्लास में आ रहे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत में आया था? राइट आंसर क्या है बताइए, कौन सा चक्रवात भारत में आया था, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए, कौन सा चक्रवात भारत में आया था,
राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, इनमें से कौन सा चक्रवात भारत में आया था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है वायु, गुजरात साइड में आया था। राइट आंसर है वायु प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर क्या है बताइए, महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए जी, कोशिश करिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, महिला एशिया कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है प्रश्न के लिए ये आयोजित होगा ऑप्शन नंबर सी भारत में, सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने हाल ही में आकाश एनजी मतलब आकाश नेक्स्ट जन एनजी का परीक्षण किया है। एनजी का फुल फॉर्म क्या है चलिए बताइए, एनजी का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, एनजी का फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है, तो एनजी का फुल फॉर्म है हाँ न्यू जनरेशन। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तिरंगा झंडा अपनाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव पारित हुआ था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, तिरंगा झंडा अपनाने के लिए। दोस्तों वीडियो लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते जाओ, ग्रीन फोर्स इंडियन बॉय अंकित सरोज नरेश कुमार। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए जी, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, ऑप्शन नंबर 1931 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, 1931 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, प्रश्न है किस भारत के प्रधानमंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया था। राइट आंसर क्या है बताइए, भारत के किस प्रधानमंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया था। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है, सबसे कम समय के लिए किसे चुना गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुलजारी लाल नंदा। राइट आंसर क्या है, गुलजारी लाल नंदा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्यालय संभालने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री इनमें से कौन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री इनमें से कौन है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, मोरारजी देसाई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, गणतंत्र दिवस परेड 2021 कथन इनमें से कौन सा है। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के बारे में सही कथन कौन सा है। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, ये दोनों कथन सही हैं। विशेष पगड़ी पहनी थी और कर्नल संतोष बाबूजी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, दोनों चीजें सही हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
सुभाष चंद्र बोस ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जी, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है। यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, राइट आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किस देश के प्रधानमंत्री को उन्हीं की सत्तारूढ़ पार्टी से निकाल दिया गया था बीच में अभी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जी, कोशिश करिए आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को निकाल दिया गया था, राइट आंसर है प्रश्न का, जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, फाल्कन ने कितने उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, फाल्कन ने कितने सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इसरो का 104 का रिकॉर्ड था, फाल्कन ने 143 रिकॉर्ड बनाए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 143 का रिकॉर्ड है फाल्कन का, सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हो रहा है सही कर लीजिए, जो भी पहली बार क्लास में आए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लास रोज होती है रात में 7 बजे से, आप पर डे आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को बंदूकों की सलामी दी गई थी कितनी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 बजे से 8 बजे तक रोज, आप रोज आ सकते हो पढ़ने के लिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। शिवम, कविता, राहुल, बाल गोविंद, अरविंद, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 21 ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है बी प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा 21 तोपों 21 बंदूकों की सलामी। लाइक करते चलो, शेयर करते चलो, चैनल पर नए हैं शिवम, अरे बिल्कुल नए हो या पुराने हो स्वागत सबका है, टेंशन ना लो एकदम। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो भी पहली बार क्लास में आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हाँ राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सभी लाइक शेयर करते चलिए। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा, इसका स्वागत तो करो शिवम का, सब लोग मिलके, हमारे इधर स्वागत कुछ अलग तरीके से होता है, हाँ बहुत ज़बरदस्त स्वागत होता है, ऐसा स्वागत होता है दूसरी बार से, या तो तुम क्लास में आओगे तो शांत पढ़ोगे, नहीं तो फिर आगे आप समझदार हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, ध्वज पर बने चक्र का प्रारूप कहाँ से लिया गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर प्रश्न के लिए, तो कहाँ से लिया गया है ये, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका गलत हो रहा है सही कर लो, जो पहली बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इनमें से कौन जारी करता है, राइट आंसर क्या है, नमस्ते खुश रहो स्वस्थ रहो, पेट्रोल डीजल की तरह तरक्की करो रोज, क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कौन जारी करता है ये, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ये जारी करता है आपका ऑप्शन नंबर, सही उत्तर हो जाएगा, हाँ जी हाँ, रोज पर डे प्रतिदिन आओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा गया, आंसर दो, सही उत्तर क्या है। गणतंत्र दिवस समारोह समापन को क्या कहते हैं, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है, अरविंद, कपिल गेमिंग, पूजा यदुवंशी, बाल गोविंद, ग्रीन फोर्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसको बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटिंग रिट्रीट प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, बीटिंग रिट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलावेसी गुफा पेंटिंग हाल ही में किस देश में मिली है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। सुलावेसी गुफा पेंटिंग कौन से देश में मिली है, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सुलावेसी गुफा पेंटिंग कौन से देश में मिली है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मिली है इंडोनेशिया में। कहां पर, इंडोनेशिया, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है भारत में, राइट आंसर क्या है बताइए। शेयर करते जाइए वीडियो को, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए, शेयर करते जाइए वीडियो को। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है, 23 जनवरी को मनाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, 23 जनवरी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाते हैं बताओ, राइट आंसर क्या है, सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसका भी गलत हुआ है सही कर लो। नेक्स्ट, 1885 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष इनमें से कौन था, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करते चलिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर है प्रश्न का, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, WC बनर्जी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है जी, WC बनर्जी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां पर है, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। भारत में सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहां पर है बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, सही उत्तर, राइट आंसर। तो सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग भारत में कहां पर है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, चट्टरगला सुरंग किस दो स्थानों को जोड़ेगी बतलाइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सही उत्तर क्या है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए जी, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कठुआ और डोडा, श्रीरंग, हाँ जम्मू कश्मीर की है ये, कठुआ और डोडा प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, शाहीन मिसाइल रेंज किस देश से संबंधित है, शाहीन मिसाइल
राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? शाहीन मिसाइल किस देश से संबंधित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है शाहीन मिसाइल है पाकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाईफाई का मतलब क्या है? चलिए आंसर बताइए, लाईफाई का मतलब क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए? लाईफाई का मतलब क्या है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए। यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं, तो लाइट फिडिलिटी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? लाइट फिडिलिटी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? प्रश्न है, ओरन का फुल फॉर्म बताओ, ORAN। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? ओरन का फुल फॉर्म क्या होगा? सही उत्तर क्या है, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? ओरन का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा ओरन का फुल फॉर्म है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हाँ जी, तो ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य ने पहली एयर टैक्सी लॉन्च की है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? भारत के किस राज्य ने पहली एयर टैक्सी लॉन्च की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत के किस राज्य ने पहली एयर टैक्सी लॉन्च की है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, एयर टैक्सी हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है उड़ान योजना के तहत। राइट आंसर क्या है? हरियाणा राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत लॉन्च की है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है? गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 2021 में कब मनाई गई? क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 2021 में कब मनाई गई? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? UPSC कविता मीना, अभिषेक, आशीष, आयशी, कपिल दुबे, गुड्डू यादव बक्सर, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बताइए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है? 20 जनवरी को मनाई गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब के हाथ, तो क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं, आप प्रतिदिन आ सकते हैं, क्लास रोज होती है, रात में 7 से 8 पर डे क्लास होती है, आप रोज आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी 9mm पिस्तौल का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर क्या है बताइए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या रखा गया है पिस्तौल का नाम? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ASMI। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है ASMI। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है ASMI। जी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
जी, जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। राइट आंसर है ASMI प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, चीन में कोरोना वायरस किस मिठाई में पता चला था? राइट आंसर क्या है? सही उत्तर क्या हो जाएगा बतलाइए जी, सही उत्तर क्या है? राइट आंसर, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मिठाई में, आइसक्रीम में पता चला था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, जेम्स नेस्मिथ कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल के आविष्कारक हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है बताइए। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर है 15 जनवरी को हर साल मनाते हैं। क्या हो जाएगा? 15 जनवरी को हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण कब शुरू हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? COVID-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। COVID-19 टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तो 16 जनवरी से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, नंबर वन पर कौन है बताइए। राइट आंसर क्या है बताइए? जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा जापान, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। गणतंत्र दिवस परेड में किस सशस्त्र बल ने भाग लिया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला क्वेश्चन, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है प्रश्न का बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हाल ही में GSI द्वारा कहां वेनेडियम प्राप्त किया गया है? राइट आंसर है प्रश्न के लिए बताइए। वेनेडियम रणनीतिक धातु है, जैसे लोहे के औचार बनते हैं वैसे ही वेनेडियम भी होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा वेनेडियम कहां प्राप्त हुआ है, तो वेनेडियम प्राप्त हुआ है ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान पर जंगल में आग लगने की सूचना हाल ही में मिली थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए, कहां पर? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए,
सही उत्तर क्या है? राइट आंसर राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? नागालैंड और मणिपुर के पास में है ये दुजको वैली। कहाँ पर है? नागालैंड और मणिपुर के पास में दुजको वैली। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से नौसेना अभ्यास, इनमें से भारत किसके साथ नौसैनिक अभ्यास नहीं करता है? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बताइए? जेंटलमैन, अंजू कुमारी, पंकज लोवंशी, यूपीएससी गर्ल, इंडियन बॉय, चौरसिया जी, आशीष पटेल, कविता मीना। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत नहीं करता है इनमें से स्वीडन के साथ में। किसके साथ में? स्वीडन के साथ में। वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी इतिहास में अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर दो बार महाभियोग किसके रहने पर लगा था? राइट आंसर क्या है बताइए? दो बार महाभियोग इनमें से, जो भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है लिंक सबसे ऊपर मैंने दे दी है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, है ना? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दो बार महाभियोग लगा है किसके ऊपर? यही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगा था। राइट आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा यास्मीन, इंडियन बॉय, अरुण अग्रवाल, क्रेजी अक्की, सतीश राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने चीन के झिंजियांग क्षेत्र के कपास और टमाटर उत्पादन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? राइट आंसर क्या है बताइए? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाओ। जो पहली बार क्लास में आए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए चलिए बताइए, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या है, किसने प्रतिबंध लगा दिया है? यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। जो भी पहली बार आ रहे हैं फॉलो कर सब्सक्राइब कर लेना, है ना? बस हाँ जी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वायत्त राज्य के निर्माण सूचीबद्ध हैं? राइट आंसर, राज्य के अंदर राज्य बनाना हो स्वायत्त राज्य सूचीबद्ध हैं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्वायत्त राज्य ऑप्शन नंबर सी, 244 से। असम के अंदर डिमांड चल रही थी, असम के अंदर छोटा सा असम बनाने की। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, इबोला वैक्सीन बनाने के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इबोला वैक्सीन बनाने के लिए स्विट्जरलैंड। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सुबह, बाकी मैं रात में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 9 से 10:30 छोटे चैनल पर पढ़ाऊँगा। जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम की लिंक मैंने दे दी है, मैं उस पर लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक? रोज रात में 9 से 10:30 बजे तक छोटे चैनल पर पढ़ाऊँगा, है? जिस जिसको भी पढ़ना है आ जाना उस पर, ठीक? हाँ जी, चलो तो फिर मिलते हैं। जाते जाते वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना। पक्का आऊँगा, पक्का 9 से 10:30 छोटे वाले चैनल पर। अनअकैडमी पर सुबह 10 से 11 एक क्लास बस। जाते जाते वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब आप लोग आपस में बात करो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, ठीक है? चलिए, चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक घंटा है, खाना वाना खा लो, 9 से 10:30 पढ़ेंगे अपन, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।